कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला ने की अपने टूटे हुए रिश्ते पर बात। शेफाली ने बताया कि उनकी शादी उनके लिए कितनी दर्दनाक थी। वेल, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि साल 2004 में शेफाली मीट ब्रदर्स के हरमीत सिंह से शादी की थी। हालांकि 9 साल बाद दोनों के रिश्ते का बहुत बुरा अंत हो गया था। शेफाली ने तलाक के बाद हरमीत सिंह पर बेहद गंभीर आरोप भी लगाए थे। अपनी पहली शादी पर बात करते हुए शेफाली जरीवाला ने कहा कि जरूरी नहीं कि हर घरेलू हिंसा शारीरिक हो, कुछ घरेलू हिंसा मानसिक भी होती है। मैंने भी उस रिश्ते में मानसिक हिंसा झेली है, वो एक टॉर्चर भरा रिश्ता था। शेफाली ने कहा कि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ और मैं आर्थिक रूप से किसी पर भी निर्भर नहीं हूँ। इसी चीज ने मुझे हिम्मत दी कि मैं उस बुरे रिश्ते से बाहर निकल सकूं। शेफाली ने कहा कि हर औरत को ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी रिश्ते में उसकी कद्र हो रही है या नहीं, उससे इज्जत मिल रही है या नहीं। शेफाली ने कहा कि जब मुझे लगा कि इस रिश्ते में मेरे लिए कोई सम्मान नहीं है तो मैंने उस रिश्ते को तोड़ दिया। शेफाली ने कहा कि हमारे समाज में तलाक एक टैबू है और हमें कुछ इसी तरीके की परवरिश भी दी जाती है। लेकिन शेफाली ने लोग क्या बोलेंगे इस बारे में नहीं बल्कि अपनी खुशियों के बारे में सोचा और उस रिश्ते से अलग हो गई जहां पर वो खुश नहीं थी। शेफाली जरीवाला ने न केवल अपने आप को दूसरा मौका दिया बल्कि साल 2014 में पराग त्यागी से शादी करके प्यार को भी दूसरा मौका दिया। शेफाली ने ये दिखा दिया कि सबसे जरूरी होता है खुद से प्यार करना। वेल, बात सही भी है, अगर आप ही खुद को सम्मान नहीं देंगे तो कोई और आपकी इज्जत क्यों करेगा। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।